बात हो जाए और क्या, हमको किसी के रास्ते रोकने हैं। और जो 26 जनवरी को जो हुआ, आप लोगों ने कहा था कि किसानों के आड़ में कुछ लोग उपद्रव मचाते हैं। आज लुधियाना शहर में उसी चक्का जाम स्तर पर भिंडरे वाले का झंडा देखा गया। बात करेंगे वहाँ पे, अगर था तो गलत चीज है, नहीं लगाना चाहिए। जो चीज प्रतिबंधित है और वो नहीं लगानी चाहिए। लेकिन इससे आपको लगता नहीं है किसान आंदोलन को नुकसान पहुंचता है? किसी ने लगाया होगा तो गलत चीज है, नहीं लगानी चाहिए। अब क्या करेंगे, ग्यारहवीं दौर की बातचीत, हम क्या कहीं जा रहे हैं, हम तो यहीं रहेंगे, हम कहाँ लग रहे जान, मतलब ऐसे ही चले जाएगा कोई किसान। लेकिन आप लोग ये तो कह रहे हैं कि हम लोग बातचीत करना चाहते हैं, और हम क्या मैंने कर रहे हैं, हम तो बातचीत करना चाहते, सरकार कर लेगी, एक आध महीने में कर लेगी बात। लेकिन जो आपका कद है, राकेश टिकैत ने जो नाम और शोहरत पाया इस 70-80 दिनों में, आपके लिए बातचीत का दरवाजा खुलवाना, बातचीत शुरू करना कोई बड़ी बात नहीं है? फिर क्यों नहीं बातचीत हो पा रही? नहीं नहीं, अब राकेश टिकैत क्या है, मैं तो एक उसमें कमेटी में भाई, हम भी एक मेंबर हैं, हमारे तो 39 आदमी हो रहे हैं। बातचीत वो जैसे पहले करते थे उन्हीं से ही करें, हमारे पे कुछ नहीं है। कौन था मीडिएटर पहले, क्या प्रोसेस था? नहीं नहीं, कुछ नहीं, वो सीधे बात करते थे वहाँ पे ऑफिस में। तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं मैं एक कॉल दूर हूँ, कौन सा नंबर, कौन सा है ये तो आप बताओगे? ना हमारे पास नंबर, उन्होंने कहा मैं एक कॉल दूर हूँ, आप कह रहे हो मुझे नंबर नहीं मिल रहा है? नहीं नहीं, मुझे नहीं मिलता, मुझे नंबर मिल जाएगा तो पीएमओ का नंबर मिल जाएंगे, हमें थोड़ा बात करनी। वो तो जो पहले जिस चैनल से 11 बार बात हुई वही चैनल बात करेगा। कोई आशा, कोई उम्मीद, कोई रास्ता हो जाएगा? एक दो महीने में हो जाएगी, चार महीने में हो जाएगी, छह में हो जाएगी, अक्टूबर तक उम्मीद है कि हो जाएगी बात। आप लोग दिनों की लंबाई को क्यों देखते हैं? अच्छा, लंबा मुद्दा है वो, ये दोनों में अगर आप कोई अनसे चैनल से हटा कर कह दे कि आप यूट्यूब चैनल बना लो अपना, आप बस उनसे ही कमाओ। नहीं नहीं, मैं पूछ ना ना, मेरा भी सवाल यही है, महीना में मुद्दा हल, हाँ जल्दी हल। नहीं नहीं, ज्यादा प्राथमिकता क्या है? ज्यादा लंबा हो हल है। अच्छा, बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ा मकान चाहिए, बड़ा चैनल चाहिए, आंदोलन छोटा चाहिए, ये कौन सा गणित है, समझ में नहीं आया। फिर सवाल कर रहा हूँ, छह महीने में समझ, काम भी तो करना है ना, किसानों को खेत में भी काम करना, अपना छह महीने का प्रोग्राम भी करना है, तो लंबा प्रोग्राम किसानों को देंगे तो मानसिक रूप से ठीक हो जाएगा। खेत के मुझे जनवरी में जाना, इस तारीख मुझे दिल्ली में रहना है, इस तारीख मुझे दिल्ली में जाना है, तो हमें भी तो अपना प्रोग्राम बनाना है, छह महीने का प्रोग्राम बनाएंगे तभी तो आंदोलन चलेगा। कल रविवार है, आज कल परसों को देखा जाए कोई प्रोग्राम शेड्यूल है आप लोगों का जो करेंगे आप लोग प्रोग्राम? नहीं नहीं, ये प्रोग्राम ही तो चल रहे हैं, हम तो अपना यही रहेंगे, टेंट का करना है, अगर गर्मी आओगी तो पंखों का इंतजाम करना, वो लाइट कहाँ से आओगी उसका जनरेटर का इंतजाम करना, तेल का इंतजाम करना, चंदा पानी आता रहेगा उससे तेल जनरेटर चलेगा। भाई लोगों को कहते रहेंगे कोई जनरेटर भिजवा देगा, फिर पानी की जगह उसे कह देंगे भाई तेल दे दो, तो तेल भी लोग दे देंगे, ट्रैक्टर में तेल काट कर। दिक्कत आ रही है आपको, धन की जरूरत लग रहा है कि लंबा खींचना है, धन की जरूरत है? धन उसमें नहीं आने का, कैसे में अगर डीजल आओगे वो भी तो धनी है। बिल्कुल भाई, वो जनरेटर जब यहाँ जनरेटर चलेंगे तो वो डीजल गाँव से ही आओगा।